विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी एवं ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय विधायक बाबू सिंह राठौर, जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर को कई बार प्रतिनियुक्ति रद्द करने को लेकर ज्ञापन देने के बाद भी पिछले 5-6 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले रसूखदार अध्यापक राजेंद्र जोशी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को देखने को मिला। देखा जाए तो सेखाला ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेरिया इस सत्र में नवीन नामांकन में छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई। वहीं विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं देने को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और सोमवार सुबह स्कूल खुलने से पहले ही मुख्य गेट पर तालाबंदी कर रसूखदार अध्यापक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने को लेकर नारेबाजी करते हुए विद्यालय को शिक्षक की प्रतिनियुक्ति जब तक रद्द नहीं की जाएगी तब तक विद्यालय नहीं खुलेगा इस मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य अनोपा राम भोम सिंह, फतेह सिंह, मांगीलाल सुथार, विक्रम सिंह, भाटी भोमा राम, आदुराम बिंजा, राम हमीरा, राम मगराज सहित समस्त विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं एवं सैकड़ों मात्रा में महिलाएं एवं ग्रामीण मुख्य गेट के सामने तालाबंदी कर धरने पर बैठे हुए हैं। नरपत लोहार के साथ मैं पूनम मौर्या, बीजीवी टीवी हिंदी, बालेश्वर।